good morning friend. today we will discuss the administrative history of himachal pradesh and before going the administrative history we have to learn some fact about himachal pradesh the area of himachal pradesh is 55673 square kilometer and the smallest district uh, is hamirpur which is having the 2.01% of टोटल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया एरिया वाइज दैट इज़ लाहौल स्पिति विच ऑलमोस्ट ऑक्यूपाई द ट्वेंटी फोर पॉइंट एट फाइव परसेंट ऑफ टोटल एरिया तो उसके बाद स्टार्टिंग में क्या होता है हमारे पास फर्स्ट फेज जो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री का फिफ्टीन अप्रैल नाइनटीन फोर्टी एट को हिमाचल जो है हमारे पास चीफ कमिश्नर प्रोविंस बन जाता है उसके बाद जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास इम्प्लीमेंट हो जाता फुली ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइन्टीन फिफ्टी को हिमाचल प्रदेश पार्ट सी स्टेट बनाया जाता है तो जो हमारे पास चीफ कमिश्नर प्रोविंस था स्टार्टिंग में पंद्रह अप्रैल उन्नीस सौ अड़तालीस को उस टाइम से हम, उस टाइम हमने याद रखना है जो टोटल इसमें एरिया मर्ज किया गया तो थर्टी प्रिंसली स्टेट्स थी ट्वेंटी फाइव जिसमें शिमला हिल स्टेट्स थी और उसके अलावा ट्वेंटी सिक्स सॉरी शिमला हिल स्टेट्स थी और फोर जो थी उसमें पंजाब हिल स्टेट्स थी तो जो पंजाब से हमने इसके अलावा इन्होंने क्या किया इसमें चार डिस्ट्रिक इन्होंने क्रिएट की थी चार डिस्ट्रिक कौन सी थी इसका याद रखना आपने एम एम एस सी एम एम एस सी एम स्टैंड फ़ॉर मासू एम स्टैंड फ़ॉर मंडी और एस से आपका आएगा सिरमौर सी से आएगा आपका चंबा तो ये हमारे पास इनिशियली जो हमारे पास हमने यहाँ तक किया अभी पार्ट सी स्टेट तक था ये वाला है जैसे पार्ट सी स्टेट बनता है उसके बाद क्या होता है कि नाइनटीन फिफ्टी सिक्स में हमारे पास नाइन उससे पहले नाइनटी फो फिफ़्टी फोर में हमारे पास फर्स्ट जुलाई को बिलासपुर को मर्ज किया जाता है बिलासपुर अपने आप में एक पार्ट सी स्टेट होता है उसको मर्ज किया जाता है हिमाचल के साथ में उसके बाद क्या होता है नाइन्टी सिक्सटी में आपको पता है किन्नौर को भी मिला दिया जाता है उसके बाद में आपके पास जो है सिक्सटी सिक्स को क्या होता है सिक्सटी सिक्स से पहले की हिस्ट्री ये है कि नाइन्टीन फिफ्टी सिक्स में एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आता है जो स्टेट्स हैं उनकी बाउंड्रीज़ को रीऑर्गेनाइज करना है तो उसमें हमारे पास तीन मेंबर बॉडी होती है फैज़ल अली जो किसके हेड करते कमीशन को उसके अलावा एच एन कुंजरू और के एम पनीकर तो ये लोग क्या रिकमेंड करते कि जो पार्ट ए बी सी है उसको मतलब एबलिश किया जाए उसको ख़त्म किया जाए जो ए सी टाइप से जो मतलब डिवाइड किया गया स्टेट्स को उसको एबलिश किया जाए उसके बाद क्या होता है कि हिमाचल प्रदेश को हमें पता है कि नाइनटीन फिफ्टी सिक्स में यूटी बनाया जाता है यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी जैसे चंडीगढ़ है उसकी तरह बनाया जाता है फिर क्या किया जाता है कुछ एक एरिया जो है कांगड़ा कुल्लू लाहौल स्पीति शिमला शिमला में बेसिकली वो एरिया होता है जो पार्ट होता है मतलब और उसके अलावा होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट होता है जो शिमला वाला एरिया वो करंटली पार्ट होता है नाइनटीन सिक्सटी सिक्स की बात है होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट का उसके अलावा जो डलहौजी वाला पार्ट होता है वो गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट होता है पंजाब की तो इन वाले एरिया को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं हिमाचल को किस किस एरिया को कांगड़ा कुल्लू लाहौल स्पीति शिमला शिमला कौन सा था जो पार्ट था वो हारपुर डिस्ट्रिक्ट का उसके अलावा हमारे पास गुरदासपुर में किसको मर्ज किया जाता है डलहौजी को तो नाइनटीन सिक्सटी सिक्स में हमारे पास ये वाला स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हो जाता है और हमारे पास कांगड़ा और जो मैक्सिमम हिल्स वगैरह उनको कांगड़ा हुआ जो पंजाब से अदर हिल्स उनको मिलाया जाता है हिमाचल में पर अभी तक क्या है यूटी है उसके बाद में क्या होता है 1972 को हमारे पास जो है ऊना डिस्ट्रिक्ट को बनाया जाता है और हमीरपुर को बनाया जाता है और हमारे पास सोलन में जो है सोलन डिस्ट्रिक्ट भी फॉर्म होती है सोलन में नालागढ़ कंडाघाट सोली अर्की और सोलन को मिला के सोलन डिस्ट्रिक्ट बनाई जाती है तो इसके अलावा हम जो हमारे पास ओल्ड हिमाचल था ओल्ड हिमाचल में हमारे पास कौन सी डिस्ट्रिक्स थी बेसिकली तो हमारे पास चार थी पहले मंडी थी हमने महासू किया तो उस तो टाइम पर महासू का नाम शिमला हो गया था शिमला थी बिलासपुर था किन्नौर था सिरमौर था और चंबा था बेसिकली तीन डिस्ट्रिक थी तीन कौन कौन छः थी सॉरी छः कौन कौन सी थी चंबा सिरमौर किन्नौर बिलासपुर मंडी और शिमला उसके अलावा न्यू हिमाचल में हमारे पास कांगड़ा कुल्लू लाहौल स्पीति हमीरपुर और ऊना ये वाले हमारे पास न्यू हिमाचल में आती है जो कि नाइनटीन के बाद कंप्लीट हो जाता है मतलब उसके बाद हमारे पास 18 दिसंबर को जो है स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश का एक्ट पास किया जाता है इसको अब स्टेट बनाने की मांग होती है मतलब मांग उठाते हैं हिमाचल के लीडर्स की इसको स्टेट बनाया जाए क्योंकि इस टाइम में ऐसा था कि पावर्स कुछ भी नहीं थी यहाँ पे स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो सारा सेंटर से हो रहा था तो 18 दिसंबर नाइनटीन को ये एक्ट पार्लियामेंट में पास होता है और उसके बाद क्या है पच्चीस जनवरी उन्नीस को जो है हमें स्टेट वुट मिलती है और हमारे पास हिमाचल जो है वो एटीन नंबर का स्टेट बन जाता है ऑर्गेनाइजेशन वाइज तो इतनी सी हमारे पास हिमाचल की हिस्ट्री थी इसमें जो हमारे पास चीफ कमिश्नर बीच में गवर्नर आते हैं टेरिटोरियल काउंसिल बनती है वो सब आपने बुक से रेफर कर लेने हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैव अ ग्रेट टाइम